अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम क्रॉस टॉक्स अगर मैं शौक़त ज़रदारी अॼु जीअं त तव्हां ॾिसो पिया था, मौजूदु आहियां सिंध असेंबली में, जिते सिंध सरकार पंहिंजे हिन टिन्योर जी छहीं बजेट पेश कई आहे। ऐं बजेट जो जेको एस्टिमेट आहे 1124 अरब रुपया सरकार वटि पैसा आहिनि, ऐं जॾहिं त 20 अरब रुपया जेके आहिनि उहो खसारो हूंदो हिन बजेट में। हिन हिसाब सां मजमूई तौर ते टैक्स फ्री बजेट जेको सरकार पारां चयो वियो आहे त हिन साल पेश कई वई आहे। ऐं हिन बजेट में सिंध जी तारीख़ में पहिरियों भेरो ईअं थियो आहे त सरकार, छाकाणि त नेक्स्ट मंथ खां इलेक्शन कैंपेनिंग में हली वेंदी, असेंबलियूं जेके आहिनि से डिज़ोल्व थींदियूं, 31 मई आख़िरी तारीख़ आहे। इन करे सिंध सरकार जो इहो मौक़ुफ़ आहे त हुननि हिन बजेट में सिर्फ़ 3 महीननि जी एलोकेशन लिखी आहे, जॾहिं त ॿियूं जेके एलोकेशन आहिनि या फर्दर जेकॾहिं बजेट में का तब्दीली आहे या नयूं स्कीम्स अनाउंस करणियूं आहिनि त उहा ईंदड़ सरकार अची अनाउंस कंदी। उन खां अलावा तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां, 343 अरब रुपए जी डेवलपमेंट बजेट आहे, जंहिंमें 282 अरब रुपया जेके आहिनि से उहो सरकार ॾींदी, ऐं 282 अरब रुपया जेके आहिनि से एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में रखिया विया आहिनि। उन खां अलावा तालीम जी जेका बजेट आहे सां तक़रीबन 205 अरब रुपया कई वई आहे। सिहत खाते जी बजेट में बि वाध कई वई आहे, इन सां गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ हेड्स में वाध कई वई आहे। बजेट जे हवाले सां मुरादली शाह साहब जी बजेट तक़रीर जूं मुख्य ॻाल्हियूं कहिड़ियूं हुयूं, अचो तव्हांखे ॾेखारियूं। हम असेंबली से ऑथराइजेशन 3 महीने के लेंगे, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जो अगली हुकूमत आएगी उसका हक है कि वो अपने लोगों के लिए बजट बनाए। तो इस साल जो हम बजट दे रहे हैं सर, दिस बजट हैज ओनली ऑथराइजेशन फ्रॉम 1st of July टू 30th of September 2018। उसके बाद इसलिए कि जुलाई में इंतखाबात होने हैं, अगस्त में इंशाल्लाह ताला नई असेंबलियां आ जाएंगी, और फिर वो नई असेंबली का काम है कि अगले 9 महीने के लिए अपनी बजट बनाए। इसी हवाले से हमने इस बजट में कोई नई स्कीम नहीं डाली, जो ऑन गोइंग स्कीम्स हैं उन पे जो 80% एलोकेशन रखते हैं, मैं आगे वो पूरी डिटेल बताऊंगा, वो रखी है। इसके साथ साथ सर मैं आपको ये बता दूं कि ये साल का बजट एक टैक्स फ्री बजट है, हम कोई फाइनेंस बिल पेश नहीं कर रहे। फेडरल गवर्नमेंट अपने PSDP में हमें एक शेयर देती है कि जी ये स्कीम्स हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करेगी। इस साल हमें कहा गया था कि 27 अरब रुपए की स्कीम्स आप एग्जीक्यूट करें, और अगेन स्कीम्स वो सारी जो है वो एलोकेशन थी, जिसमें K4 भी है, S3 भी है, कुछ इरीगेशन की स्कीम्स हैं, उन 27 अरब को स्लैश डाउन करके उन्होंने 20 अरब कर दिया इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, और अगले साल के लिए जो हमें एस्टिमेट दिया है वो 15 अरब रुपए का है कि हम 15 अरब रुपए देंगे। और एक वजह ये थी NEC में हमारा वॉकआउट करने का और उधर जो है ऑब्जेक्ट करने का उनकी स्कीम पे। सर ये तो फेडरल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, मैं आपको बात बताऊं कि ऑन द रेवेन्यू साइड जैसे मैंने कहा 199 अरब रुपए में से हम इंशाल्लाह ताला तकरीबन 197 अरब रुपए कलेक्ट करने में कामयाब होंगे, और हमारे सारे जो इदारे हैं टैक्स कलेक्शन के वो बिल्कुल प्रॉपरली काम करके, और वो ताकि हम अपने लोगों की खिदमत कर सकें। और इसमें एक चीज़ और, मैं इस असेंबली को भी मुबारकबाद देता हूँ, हम सब लोगों को, हमने कुछ दिनों पहले ही जो एक वादा था आप सबके साथ, और पिछले 1.5 साल से मैं ज़रूर कहता आ रहा था लेकिन उसको पूरा करने में थोड़ा टाइम लगा, कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को हमने जो इनकम टैक्स है ऑन इंडिविजुअल्स जो फेडरल गवर्नमेंट आयद करती है उसके बिल्कुल बराबर कर दिया है। उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं, वो आप हम सब ने बिल पास किया है, पहले ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता था, एग्रीकल्चरिस्ट को सिर्फ 80,000 रुपये की छूट होती थी, अब जो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 12 लाख रुपये की छूट एग्रीकल्चरिस्ट को भी होगी, और उसके बाद 12 से 24 लाख पे 5%, 24 पे 48 पे 10%, और 48 लाख से ऊपर 15% जो फेडरल गवर्नमेंट का है, जो वादा किया था वो हमने पूरा किया। इसके साथ साथ हम जो उसके रूल्स हैं उन पर भी काम कर रहे हैं ताकि ये टैक्स हम प्रॉपरली कलेक्ट कर सकें। पिछले साल इसी तारीख पे 111 अरब रुपए खर्च हुए थे 9 मई को, इस साल हमने 144 अरब रुपए खर्च किए, और इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि हमने वो स्पेस रखा है कि वो जैसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन पे आ रहे हैं वी वुड हैव दैट मनी अवेलेबल एंड वी विल क्रॉस द 200 बिलियन रुपी मार्क। सो फॉर नेक्स्ट ईयर द टोटल रिसीव्स ऑफ द प्रोविंस आर एस्टिमेटेड एट 1,124 बिलियन, दैट इज 1.124 ट्रिलियन। दिस इज 8.5% हायर देन द करंट फाइनेंशियल ईयर। द
The receipts from the federal government on account of revenue assignments, trade transfers and grants are estimated at rupees 665 billion. Received from federal government are 59.2% of the total receipts of the province. Sir, jo maine abhi baat ki, receipts of the federal PSDP are estimated at rupees 15 billion. Ongoing, main ab thoda sa bata dun, jo maine udhar hi ye numbers diye, जो सिंध बेस्ड स्कीम्स हैं, रोड सबसे बड़ा पोर्टफोलियो उनका रोड्स का है, रोड बनाने का बहुत शौक है, रोड बनाते हैं, अच्छी बात है, कम्युनिकेशन को बेहतर करें. जो टोटल एस्टिमेट्स हैं रोड के, उसके अंदर इन्होंने टोटल था 301 अरब रुपए जो रोड सेक्टर में फेडरल गवर्नमेंट ने रखा हुआ है. उसमें 237 बिलियन की ऑनगोइंग स्कीम्स थी. उसमें जो सिंध के प्रोजेक्ट थे उसमें 5.65 बिलियन रखा गया था, जो कि तकरीबन 8.5% था. जो नई स्कीम्स थी उसके अंदर 65 अरब रुपए रखा गया था, और सॉरी जो ऑनगोइंग स्कीम्स थी उसमें मैंने गलत बताया कि जो ऑन गोइंग स्कीम्स थी उसमें 142 बिलियन जो 237 बिलियन था उसमें 7.5 अरब था, और जो नई स्कीम्स थी 65 अरब रुपए की उसमें सिंध का शेयर 5.65 बिलियन था. सर, इन द करंट फाइनेंशियल ईयर द एलोकेशन फॉर एजुकेशन सेक्टर वाज 178.7 बिलियन इन द करंट ऑन द करंट साइड एंड 21.13 बिलियन ऑन द डेवलपमेंट साइड. सर, फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है एजुकेशन का वो 17 अरब रुपए था ऑनगोइंग स्कीम्स का, अगले फाइनेंशियल ईयर में हमने उसको बढ़ा के 25 अरब रुपए कर दिया है. दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 42% इन द डेवलपमेंट साइड ऑन एजुकेशन. इसके अलावा जो नई स्कीम्स होंगी वो ब्लॉक एलोकेशन के थ्रू दी जाएंगी. सर, हमने 11.25 बिलियन एलोकेट किए थे फॉर डिफरेंट डेवलपमेंट स्कीम्स एंड अप्रॉक्सिमेटली 996 यूनिट्स अगेंस्ट 167 स्कीम्स विल बी कंप्लीटेड बाय जून 2018, इंक्लूडिंग अपग्रेडेशन, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन, इंप्रूवमेंट, रिपेयर, इनोवेशन एक्सेट्रा. पावर सेक्टर में मैंने जब देखा किताब खोल के उधर, नई स्कीम्स के लिए उन्होंने 7.1 बिलियन रुपीज रखे थे, तकरीबन 25-30 के करीब नंबर मुझे याद नहीं है, अब कहेंगे मैं देख लूंगा. नई स्कीम्स थी और सिंध की एक नई स्कीम थी उसमें, नौशेर और फिरोज में विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन. बहुत अच्छी बात है, आप करें, बहुत अच्छी बात है. और उसमें 7 अरब रुपए में से 125 मिलियन रखे गए थे, यानी 1.75%. वो शायद इसलिए कि एनईसी के मेंबर थे एक नौशेर और फिरोज के मिनिस्टर, लेकिन वो मीटिंग में ही नहीं आए, उन्होंने भी उसको रिजेक्ट कर दिया, वो मीटिंग में नहीं आए. मैंने कहा ये 125 मिलियन हम दे देंगे, ये मेहरबानी भी सिंध पे ना करें आप. टिल लास्ट ईयर पुलिस के पास एसएमजीज 25,000 थी, सिर्फ एक साल में हमने 30,000 और एसएमजीज ली, और ये सारी हमने प्रोक्योर की फ्रॉम थ्रू पाकिस्तान आर्मी, इसलिए वो प्रोक्योर करते हैं उन्हीं के थ्रू प्रोक्योर की. हमने जो हैंडगन्स होती हैं वो भी मेरे ख्याल 3,000 से 12,000 कर दी. हमने पुलिस को कोशिश की है के बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, उनकी कैपेसिटी बढ़ाएं, उनको बेहतर ट्रेन करें, उनको इंटेलिजेंस में सपोर्ट दिलाएं, और इसकी वजह से ही जो है हम कामयाब हो सके हैं. जी व्यवस्था सीएम सिंध जी बजट तकरीर जो मुख्य गालियों बुद्धि वर्तियों इतने असा वरतानी नंढी साई साई का जरा मोटी इंदासी तो सरकार के चूंडियल नुमाइंदन ए मुखालिफ दुर के चूंडियल नुमाइंदन सा बजट के हवाले से गाल बोल कंदासी वठदो नंढी साई. वेलकम बैक व्यूअर्स, तहां के जिए ता सा बुधायो पा तो सिंध असेंबली मा अज छई बजट पेश थी है माली साल 2018-2019 जी. हाँ इतने जो चूंडियल नुमाइंदा मौजूद हैं उन गाल बोल कंदासी प्रोग्राम के अगते बधाईंदासी. बजट स्पीच बुधी आ घनी बजट आई आ बजट बजट स्पीच बस के से बुधण जे लाए पर शोर घणो हो उते. हां ता समझो दा सी तालीम तालीम जे लाए 205 अरब रुपया रख्या वे हैं, पोए साल 176 अरब रुपया होया. ता समझो दा पैसा हर साल वदन था पर सिंध
में छा तालीम जो निज़ाम बेहतर थियो खैर मुझे ख्याल पैसन जो मसलो एतरो ना है जितरे कदर जेका टीचर्स हैं या गवर्नेंस है उन्होंने मथों जो उ वही पढ़ाएन इन लाइ जो घणन हंधन से जैसे अस चवंदा गोस्ट टीचर्स पघार वठन था मौजूद ना उते इन्हीं मथों रियायत न थियण खे तुम पघार वो तो केर भी एक्चुअली खाली टीचर्स की गाल नो क्या कड़ो भी गवर्नमेंट से वह उन्हें कम कर पघार वो था एटलीस्ट परफॉर्मेंस कर ना ही तक पघार वो तो छे वो यो गलत है। आखिरी सवाल सर तुम समझो था तो अज जो बजट अनाउंस किया जैमें भाई टिन महीन जो अस रखो लूप अस अगर ना नौ महीना जो से नई इंदड़ सरकार असो डी वफाकी सरकार तमाम घणु रियायतू दिन पी एम एल एन बाज़ार लगे तो इलेक्शन वो बजट दिनों इनके तुम समझो तीन सरकार भी इलेक्शन वो बजट दिनों न मुझे ख्याल उन्हें भी सागी यो ही सिस्टम किया एक्चुअली वही सजो सिस्टम ठहो नई असेंबली में एक्चुअल कड़ो केतरा टैक्सिस हणन था ना हणन उन्हें पाई स्कीमू कड़ी हणन था इन में नई स्कीमू कड़ी आनन था नई स्कीमू आनी तो पैसन की जरूरत पवी काडो इंदो पैसो सजी गाल ये बजट आए ट्रिलियंस में आ एग्जैक्ट फिगर मुख्य वक्त याद ना है लेकिन ट्रिलियंस में बजट आ बजट में भी वाधारो थो सेहत खाते की बजट में भी वाधारो थो हर साल वाधारो है इलेक्शन में तुम वनो पा समझो था ये वाधारो पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऐसो हि बजट तो है को हि तो चयन महीनों जो खर्चो जो वो लगे आ ही महीनों ए टे महीना ब महीना जो केयरटेकर गवर्नमेंट जहाँ उन असल बजट तो पोचण आ पैसों जो अंदाजो लगाया वो पैसा रिजर्व वो ब्लॉक एलोकेशंस रखी हुई ट्रेंड उ रखो वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो पो डेवलपमेंट पेस आ उनके बरकरार रखी सकन या रीस्ट्रेटजी थी उनमें बीहर इनके सोचे कर पैसा मुख्तलिफ रीएलोकेशन करनी पवी पर जे बजट रखा तो पैसा मां समझा तो उ मुनासिब आयो ट्रेंड सागो जो डेवलपमेंट जो वो बरकरार रो ऐसो इनमें रिलीफ तो जो बजट है उ ही रो जो तुम बुध अज भी असल में आइनी तौर से पूरे साल जो बजट ही असेंबली हाँ हुकूमत दई न पे सके जो मरकज में जो बजट दिनों वो एक ड्रामेबाजी आी न सो सुब या अगर असेंबली या हुकूमत ना आई या पार्टी तो छो लाजमी आ जो नई असेंबली हिंदी उन्हीं के इख्तियार इन वीह दिन जो बजट ए जो केयरटेकर जो खर्चो वो उन बजट में रखो यो सिंध जो मानू समझे तो यो रिलीफ आइंदा भी रो पर अस आईनी कम किया अस सिर्फ टिन महीनों चयन महीनों जो बजट दई कर ताकि अगली असेंबली अगली हुकूमत के मौको मिले तो वो पाँगी स्ट्रेटजी ठाए जो वायदा कर आवाम से खटींदा इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इंदी तो वह अची कर स्ट्रेटजी ठाईंदी पैसा ब्लॉक एलोकेशन रखा तो तहांजी सरकार छहों बजट दिनों है अज तहां पहिरां बुधायो तो तहां की पे महसूस कयो इन बजट जे हवाले सा पहिरां त मां पंहिंजी हुकूमत के मुबारकबाद दींदमि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुकूमत के सिंध हुकूमत के वज़ीर आला सिंध के पंहिंजे चेयरमैन बिलावल भुट्टो के असां छहों बजट असांजी हुकूमत पेश कयो आहे जीअं त तव्हांखे ॿुधायो वियो वज़ीर आला इहो ॿुधायो त असां टिन महीननि जी बजट त पेश सॼे साल जी कयूं था पर एलोकेशन जेका रिलीज़ थींदी टिन महीननि जी उन खां पोइ जेका इलेक्शन करे हुकूमत ईंदी इनशाला पीपल्स पार्टी जी हुकूमत थींदी त उहा छह नवनि महीननि जो वरी उहा अची बजट पेश कंदी त तमामु मां सम्झा थी अवाम दोस्त बजट हुयो ऐं अवाम जे उमंगनि मुताबिक़ बजट पेश कई वई आहे मां अपोज़िशन जी इहा ॻाल्हि कंदमि त हुननि जे साम्हूं तव्हां घोड़ ॿुधो पर कोई इशू हुयो जंहिं ते हुननि घोड़ कयो कोई बि इशू न हुयो छो जो तव्हां बजट ॿुधो ॾिसो अगरि अवाम जे ख़िलाफ़ु आहे त तव्हां हुननि ते ॿिए ॾींहं ते तव्हां एहतजाज अची कयो पर हुन नॉन इशूज़ ते हुननि हरू भरू अची धमचर विधो ऐं माहौल ख़राबु कयो तमामु इहो ख़राबु ॻाल्हि आहे मां सम्झो था त हीउ जेको बजट अॼु पेश कयो वियो आहे इहो पीपल्स पार्टी खे इलेक्शन में को फ़ाइदो ॾींदो ॾिसो इलेक्शन में मां नथी सम्झां त छो जो टिनि महीननि ताईं त असां आउट हूंदासीं त निगरान हुकूमत ईंदी त निगरान हुकूमत ई अची संभालींदी हिन महीने खां पोइ त पीपल्स पार्टी खे अदा जेके कमु कया आहिनि असां जेके कमु करे आया आहियूं ख़तमु थी विया आहिनि उन्हनि ते पीपल्स पार्टी असांखे वोट ॾींदी अवाम वोट ॾींदो जेको असां कमु करे आया आहियूं उन ते वोट मिलंदो व्यूअर्स अरबाब चांडियो असां सां मौजूदु आहिनि सीनियर साहफ़ी आहिनि हिननि पंज ई साल हिन अहवान खे कवर कयो आहे ऐं हिन हुकूमत जो ई आख़िरी बजट आहे मुंहिंजे ख़्याल में त हीअ बजट इलेक्शन लॻे ऐं शाह साहब जेका तकीर कई ईअं पियो लॻे त सिंध जो वॾो वज़ीर त आहे हाणे आउं त कुझु बि नथो चई सघां हुन पर सिपाफ़ जो जेको लीडर हूंदो आहे
उहा माना ईअं हुजे त आख़िरी साल हुजे तव्हांजे यूनिवर्सिटीअ जो ऐं पोइ तव्हां मोकिलाईंदा हुजो पोइ सिपाव जे हिकिड़े लीडर वारी तक़रीर बि लॻे पई। पंहिंजी लीडरशिप जो दिफ़ा करणु त हर कंहिंजो हक़ु आहे ऐं लाज़मी आहे, वॾे वज़ीर खे बि करणु घुरिजे ऐं जेके बि जंहिंजे बि लीडरशिप जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइजे त उन्हनि खे हक़ु आहे ऐं अपोज़िशन लाज़मी आहे पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हायो आहियां ऐं मुंहिंजे ख़्याल में नारा बि ज़ोराए था हुआ आहे त सिंध जे वॾे वज़ीर जे दिलि में इहा ख़्वाहिश त आहे त उहो ॿीहर वॾो वज़ीर थिए ऐं मीरपुर ख़ासि जे जलसे में आसिफ अली ज़रदारी साहिबु इहो ऐलान बि कयो त ईंदड़ वॾो वज़ीर साईं मुराद अली शाही हूंदो। हाणे लाज़मी आहे उन मयार ते बि त लहिणो आहे न, लीडरशिप जॾहिं करे तव्हां ते एतबार करे जीअं तव्हांखे धरती टीवी वारनि हिते मोकिलियो आहे ऐं तव्हां उन मयार ते न लहो त पोइ ईअं ई मुंहिंजे ख़्याल में सिंध जो वॾो वज़ीर बि उन मयार ते लहणु चाहे थो। ॿी ॻाल्हि इहा त जेका बजेट आहे, बजेट त आहे गोरख धंधो, उहे हे कनि या जेके बि ईंदा आहिनि उहे पंहिंजा कंदा आहिनि, हिननि में ॻाल्हि हिकिड़ी कबी आहे, कमु ॿिया कबा आहिनि। हाणे तव्हां ॾिसंदो त हिन बजेट खां पोइ जेके मुतालबा ते ज़र उर्दू में चइबो आहे या जेके आहिनि वाधू ख़र्चा हिननि कया आहिनि, ख़र्चा कया आहिनि, उन्हनि जे बारे में तव्हां ईंदो तव्हां हैरान रहिजी वेंदो त बजेट में हुननि कुझु रखियो हो, वाधू ख़र्चा हिननि ॿिया कया आहिनि। ऐं इन सॼी सिचुएशन में जेको हाणे आख़िरि में जेको हुनजो लहिजो आहे उन में जेका हुन तंबीह कई त जेकॾहिं असांजी लीडरशिप जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाईंदव वॾे वज़ीर चयो त पोइ मां ज़िमेदार न आहियां। मुंहिंजे ख़्याल में इहा वॾे वज़ीर खे न चवणु घुरिजे छो जो वॾो वज़ीर ई ज़िमेदार आहे, क़ाइदे ऐवान आहे। 20 ॾींहं ऐवान में बचाइनि, 3 महीननि जो हिननि चयो आहे असां एलोकेशन्स वग़ैरह ॾिनियूं आहिनि। तव्हां चओ था इलेक्शन ई बजेट आहे, अपोज़िशन चए थी आवाम दुश्मन बजेट आहे, पीपल्स पार्टी चए थी ॾाढो ज़बरदस्त बजेट आहे, असां एथिकली 3 महीना एलोकेशन रखी आहे ऐं बाक़ी जेका बि नई सरकार अचे उहा अची ठाहे। फस्ट टाइम थियो आहे ईअं, तव्हां ॿुधायो त इहो कीअं पॉसिबल आहे? सॼो साल आहे बजेट आइन में आहे, 1 जुलाई खां इहो साल शुरू थींदो आहे, इहो कीअं पॉसिबल आहे, कीअं मैनेज थींदो? मुंहिंजे ख़्याल में इहो बजेट जेका आहे वफ़ाकी सरकार जी नक़ुल आहे। व्यूअर्स प्रोग्राम जारी आहे, चूंडियल नुमाइंदनि सां ॻाल्हि ॿोल्हि जारी आहे। हिते वठंदासीं नंढी साई, साई खां पोइ जॾहिं मोटींदासीं त प्रोग्राम खे अञा फर्दर अॻिते वधाईंदासीं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हिते चूंडियल नुमाइंदनि सां असांजी ॻाल्हि ॿोल्हि हले पई अॼोकी बजेट जे हवाले सां। मुख़ालिफ़ धुर हिन बजेट खे टोटली रद्द कंदी नज़र अचे पई, जॾहिं त जेका सरकारी धुर आहे उहा ॾाढी ख़ुशि आहे, उहो सम्झनि था आवाम दोस्त बजेट आहे। इन हवाले सां ॿियनि चूंडियल नुमाइंदनि जो छा मौक़ुफ़ु आहे, अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल्हि कयूं। बजेट खे हुकूमत मुदो पूरो करण वारी आहे, 1.5 महीने खां पोइ इलेक्शन्स बि थियण वारा आहिनि तक़रीबन, या इलेक्शन कैंपेन्स हलंदियूं, तव्हां पूरे बजेट खे ओवरऑल कीअं पिया ॾिसो? ॾिसो, बजेट हुन हिकिड़ी शइ वाज़े करे छॾी त हू सिर्फ़ु 3 महीननि जी बजेट था ॾियनि, पर उहा 3 महीननि जी बजेट जेका आहे उनजी जेका जस्टिफिकेशन ॾिनी आहे चीफ मिनिस्टर साहबु, उहा इहा ॾिनी अथऊं त छाकाणि त असां आउटसाइड पंहिंजे गवर्नमेंट जे डिवेलपमेंट जे ॿियनि खे बि मदद कयूं था, जीअं असां NICVD खे था ॾियूं, जेकॾहिं उनखे न ॾींदासीं त इस्पताल बि रहंदी, SIUT खे न ॾींदासीं त उहो रहिजी वेंदो, उहे पंहिंजी जाइ ते अहम शयूं आहिनि। पर ज़ाहिर आहे उहो 3 महीननि जी त हुननि का शइ कोन ॾिनी आहे, पर मूंखे जेको आहे मां शायदि मैथ्स में एॾी सुठी न आहियां, पर 3 महीननि में खरबनि जी बजेट कोन ॾिबी आहे। सवाल ई पैदा नथो थिए, जॾहिं तव्हां चओ था त 3 महीननि खां पोइ जेको बि ईंदो नयूं स्कीमूं बि उहो ठाहींदो न, त उनजे लाइ उन्हनि जी सहूलियत जे लाइ रखिया अथऊं, हाणे खां ई बंदोबस्तु आहे। अच्छा, आख़िरि में मूंखे इहो ॿुधायो, काफ़ी MPS खां मूं पुछियो आहे, तव्हां बजेट पूरो ॿुधी सघिया आहियो ऐवान में या तव्हां? न, मां पढ़ियो, मां ॾिठो, ॿुधो कोन छो त ॿुधण में न पिए आयो ऐं शोर इलाही हुयो, पर मां सरसरी थोरो बजेट खे पढ़ियमि, पर उन में मूंखे का ख़ासि शइ कोन आई, लफ़ाज़ी घणी आहे ऐं जेके मुंहिंजे ख़्याल मुताबिक़ जेके सोशल सेक्टर्स हूंदा आहिनि उन में उहे हिकु पैराग्राफ, ॾेढ पैराग्राफ, माइनॉरिटीज़ हिकिड़ो पैराग्राफ, विमेन डेवलपमेंट ॾेढ पैराग्राफ, इहे शयूं इंडिकेट छा थियूं कनि? इंडिकेट इहे थियूं कनि त सिविल सोसाइटी या सोशल सेक्टर जेको आहे उन ते तव्हांजो ध्यानु कोन्हे, उन ते तव्हांजो कोई ध्यानु कोन्हे, बाक़ी जेके जंहिंमो पैसो घणो ईंदो आहे रोड सेक्टर, मसलन रोड सेक्टर, इरीगेशन, एजुकेशन, एजुकेशन में पैसो इलाही आहे, उहो तव्हां स्कीम्स भली न रखो, तव्हां पढ़ायो भली न, यानी सिंध जी हुकूमत चवे थी त असां कैम्ब्रिज सिस्टम जा 15 स्कूल या 9 स्कूल असां उहे ठाहींदासीं, छो
कैम्ब्रिज सिस्टम इज़ नॉट अवर सिस्टम. कैम्ब्रिज सिस्टम इंग्लैंड जो सिस्टम आ, वो उन्हनि जो इम्तिहानी सिरिश्तो आ, उन्हनि जो सिलेबस बि॒यो आ, उन्हनि जो तरीक़ेकार बि॒यो आ. तव्हां उन सिस्टम में यकीन कयो था, तव्हांखे पंहिंजे सिस्टम में यकीन कोन्हे. इन खां वधीक कहिड़ी बेईमानी थी सघंदी पंहिंजे मुल्क सां, सूबे सां, ॿारनि सां, ॿोलीअ सां, जो तव्हां ॿियनि खे हथी वठाईंदव ऐं जेके तव्हांजा पंहिंजा एग्ज़िस्टिंग स्कूल्स आहिनि, सिस्टम्स आहिनि, उन्हनि खे तव्हां पुठियां उछलाईंदव. सोचो साईं, तव्हां अपोज़िशन में आहियो, यकीन अपोज़िशन जो कमु हूंदो आहे त हुकूमत को बि ग़लति कमु करे त उन ते आवाज़ु उथारे. बजेट अॼु तव्हां ॿुधो आहे, घणो बजेट आयो आहे सिंध जो? साईं, अञा बजेट आयो आहे जेको हिन पंहिंजो हींअर बजेट पेश थियो आहे, ऐं हक़ीक़त में असां पढ़ूं बजेट, पर हक़ीक़त में ॾिठो वञे त बजेट में अहिड़ो को आवाम सिंध खे को फ़ाइदो त कोन्हे न बजेट में. हीअ सिर्फ़ु काग़ज़नि में बजेट थींदो पेश, जीअं हर साल काग़ज़नि में थींदी आहे, हिन साल बि इहो साॻी थी आहे. बाक़ी आवाम खे को बि हिन में रिलीफ़ कोन मिलंदो. आवाम सां इहा आवाम दुश्मन बजेट आहे, बाक़ी को बि हिन में फ़ाइदो कोन्हे. हीअ जेको पीपल्स पार्टी चयो आहे त असां 3 महीननि जी एलोकेशन ॾियूं था, बाक़ी जेके 9 महीना आहिनि उहा जॾहिं इलेक्शन खां पोइ नई सरकार ईंदी उहा अची पंहिंजूं स्कीमूं वग़ैरह ॾींदी. तव्हां हिन सां मुतफ़िक़ आहियो त इहो कमु ठीकु थियो आहे या ईअं न थियणु घुरिजे? अरे ईअं त न थियणु घुरिजे. जीअं जे तरीक़े सां 3 महीननि जो बजेट पेश कयो आहे ऐं पोयां वरी ॿी सरकार ईंदी, अलाह कंदो इनशाला सरकार लाज़मी तब्दीली ईंदी. उमीद आहे अलाह पाक में, छो त जेकी जंहिं तरीक़े सां जंहिं सिंध खे लुटियो आहे, फुरियो आहे पीपल्स पार्टी, ऐं आउं सम्झो त इहो आख़िरी बजेट हुई ऐं ज़िंदगी वरी अहिड़ी पीपल्स पार्टी खे यादि कंदा त वरी बजेट उनखां पेश कंदा, न को हाणे अपोज़िशन में जीअं रोल अदा कंदा. बाक़ी आउं सम्झां थो त जेको बजेट हिन साल जी पेश कयो आहे उहो बि को उन में आवाम खे फ़ाइदो पहुचे, पर इहो बिल्कुलु ग़लति बजेट पेश कयो आहे. ऐं जीअं हर साल जीअं मूं अॻे ॻाल्हि कई त हींअर जी असांजो एहतिजाज जेको थियो उहो बि इन हवाले सां थियो त बजेट तव्हां घटि में सुठी पेश कयो, असीं बि तव्हां वाह वाह करियूं, वाह वाह बजेट सुठी पेश थी आहे, पर इन बजेट में को बि आवाम कोन. अक्सर ईअं थियो आहे जीअं वफ़ाक़ी सरकार कयो, जेको बजेट ॾिनऊं इलेक्शन में वञे पई गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नवाज़ जी, त उन में इहो थियो त साईं हिकिड़ो आवाम दोस्त बजेट, टैक्सिस जी छूट, रिलीफ, सब्सिडीज़, इवन एतिरे हद ताईं जो 500 अरब रुपए जी टैक्स छूट वफ़ाक़ी बजेट में मिली. तव्हां सम्झो था जीअं तव्हां चओ था हीउ बजेट आवाम दुश्मन आहे, तव्हां सम्झो था त बजेट जो बि हिकिड़ो पॉइंट तव्हांखे मिली वियो आहे इलेक्शन में आवाम खे पाण ना छिकण जे लाइ? हा, त पहिरीं ॻाल्हि त वफ़ाक़ी हुकूमत पंहिंजी बजेट पेश कई आहे, उहो त ॾिसो तव्हां पूरे सिंध खे 89 महीननि खां पोइ त सिंध गवर्नमेंट ज़िमेवार हूंदी आहे ऐं बजेट उनखे पंहिंजे हिसे जी मिली आहे. जीअं घोड़ा हाए घोड़ा कयूं त असांखे बजेट 3 महीने जी मिले पई, बहरहाल वफ़ाक़ी गवर्नमेंट ॾिनो हुनखे. पर उन में इहो आहे त हींअर जेको बजेट पेश कयो आहे उन में जेको वफ़ाक़ी हुकूमत पंहिंजो रोल अदा कयो आहे सिंध हुकूमत खे, उन ॻाल्हि जो संजीदगी नोट वठणु नोटिस वठणु घुरिजे. ऐं ख़ासि तरह सिंध जी ऐं हालति ॾिसां पियो, यकीन करियो, जीअं असांजो ख़ुर्शीद शाह साहिबु जेको बयानु त अचो तव्हांखे सिंध जी ॾेखारियां, हेल्थ ॾिसो, एजुकेशन ॾिसो, इहो त साईं ऐं ख़ाली चवां साईं अहिड़ो भाषा कीअं बयानु ॾिनो आहे ऐं अहिड़ा बयान न ॾियणु घुरिजनि. ऐं ख़ासि तरह ऐं पाण चवंदो साईं अचे थो, आउं थो ॾेखारियां ठटो ज़िलो ऐं त सजावल ज़िलो ॾेखारियां थो, हुन जी यादि ॾिसो, तव्हां बदीन ॾिसो, मीरपुर ख़ासि ॾिसो, ॿेड़ो ॿोड़े छॾियो न, बाक़ी ॿियो कुझु कोन छॾियो न. जी व्यूअर्स, साईं सोराब सरकी साहिबु असां गॾु मौजूदु आहिनि, हुकूमती धुर जा MP आहिनि. सरकी साहिबु, असां काफ़ी चूंडियल नुमाइंदनि खां इहो सुवाल कयो आहे, साॻियो सुवाल तव्हांखां बि कंदासीं. तव्हां बजेट ॿुधी हूंदी यकीननि, घणी बजेट आहे सर? साईं बजेट आहे 11 ख़रब 44 करोड़ ऐं 44 अरब रुपए जी ऐं समथिंग ॿियो जेको आहे कुझु पैसा आहिनि, बाक़ी 20 अरब रुपए जो ख़सारो आहे. ऐं अलहमदिल्ला तव्हां पाण ॾिठो त मां सम्झां थो जॾहिं 18 अमेंडमेंट ख़तमु थी आहे उन खां पोइ जॾहिं डिवॉल्व थिया आहिनि पावर्स, त हिन 3-4 सालनि जे अंदरि सिंध जे अंदरि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट काफ़ी बहितर अंदाज़ में कमु कयो आहे, जंहिंजो मुराद अली शाह बि ज़िक्र कयो ऐं तव्हांखे पाण नज़र बि अचे थो, ख़ासि करे कराची में जेके ओवरहेड पुलियूं ठाहिनि थियूं ऐं अंडरपास ठाहिनि था, रोड ठाहिनि था, रस्ता ठाहिनि था स्पेशली ऐं पर्टिकुलरली थ्रू आउट सिंध. अहिड़ी तरह हर MPAs MNAs पंहिंजे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में कम बि कया आहिनि. इनशाला ताला इन जेकी असांजी कारकर्दगी आहे जेकी मां सम्झां थो हिन 3 सालनि में, छाकाणि त डिवॉल्व थियण खां पोइ पैसा मिलिया आहिनि, त कारकर्दगी सभिनी जंहिं महिनत कई आहे, कमु कयो आहे, उहो पंहिंजा जेके बि उन कम कया आहिनि उहो प्रोग्राम खणी वेंदो ऐं उमेदु आहे त इनशाला ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब. 5 साल पूरा थिया आहिनि, आख़िरी बजेट आहे, तव्हांजो तालुक़ु जेको आहे सो ठुल जेकबाबाद खां आहे,
चार साल अग में भी बजट आया यकीनन स्कीमू मिली हूँ तुम मुतमिन आयो तो गुजरियल बजट्स में तहाँ के तक जो जो स्कीमू दिनी हुई अनाउंस कई हुई उ पूरी थी वह मुकम्मल थी वह मू उन फायद वन पाँ गाल तेजे जो है तो पंजवी करोड़ रुपए की हुई इंटरनल रोड की सिटी ठुल की टफटाइल भी हुई इन साल उन सब पैसा मिलया जो रयल खुयल कम तेजी से हले तो छह करोड़ रुपए की ड्रेनेज की उन्हीं में पोएं साल थी उन्हीं में कुछ पैसा मिलया इन साल रखा अथों जून तक इन साल माना 2019 में वह भी कंप्लीट थी वी इन्हीं से गडोगो बहुत जो लाइनिंग वगैरह काफ़ी दिसो ना एकड़ी गाल मू जी ग्राउंड रियलिटी आए तो पूरे सिंध में पैसा जो भी आन उ खर्च थन्दा छड़ो मुझे इलाके में कोन थन्दा पर पो भी जो अस कम जो पब्लिक स्कूल आ गर्ल्स कॉलेज आ मुझे इलाके में अगे को अस वरता खोड़ अड़ा रोड आ जो बिल्कुल मेन रोड जो खत्म आ उन अस सही कराया इरीगेशन जो निज़ाम बिल्कुल सैलाब अचने को बिल्कुल ख़त्म हो उन्हें बेहतर कराया उन्हें हाँ पे अस खास कर मुझे तक में यह हालत होंगी जो मू एतजाज कंदा ए बिज सड़ खी अची कर एतजाज कंदा हाँ अलहमदुल्ला इन पंज साल में इरीगेशन सेक्टर में कोई भी तलके ठुल में खास कर पीएस 15 ही जी हाँ पीएस 2 उनमें तक एतजाज नजर ना आयो हों अस हतुल इम्कान कोशिश कई है जैसे तक कें टाइम दींदा वे को प्रोग्राम कंदा वे तो एक एक शे तुदाइंदे जी MPA फंड में जो असा पैसा मिलया खास करें हवाले से यह चवंदम तो तकरीबन 35 मेडिकल डिस्पेंसरीज दिन फर्स्ट क्लास जो पूरे पांजे तक के अंदर वे हाँ कंप्लीट थी व्यून बया काफ़ी अड़ा कम कराया जो समझा तो अस प्रोग्राम खी वे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्लेटफॉर्म तो असें तमाम सुठी मोट मिली जी व्यवर्स असा इतने मौजूद मुख्तलिफ़ चूंड नुमाइंदन से गाल बोल कई असाफी दोस्त अरबाब चांडियो जो सीनियर साफी है उनसा भी अस गाल बोल कई बज़ाहिर अपोजिशन के भी सियासत करनी है बजट के रद्द करणो है गवर्नमेंट के भी सियासत करनी है बजट के बेहतर चवणो है पर ही बजट केतरो आवाम दोस्त या आवाम दुश्मन होंगी इन जो फैसलो आवाम के करणो है इन जो फैसलो तमाम जल्दी थींदो कुछ दिन का पोए छा मार्केट में इन बजट जो इम्पैक्ट प्राइसिस के वधण से अचे तो या प्राइसिस के घट थियण से अचे तो जो असर वक्त बुधाई तो जो प्रोग्राम एतरो ही शौक़ ज़रदारी के दींदा इजाज़त अलावाई।